हे गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर ग्रेटिट्यूड की एक और फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है इस जुगाड़ू कूलर से रिलेटेड। गाइस, ये कूलर पिछले 2 सालों से मेरे साथ बहुत अच्छे से निभा रहा है और इसको मैंने खुद ही बनाया था। बाकी चल तो ये अभी भी रहा है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपरली, लेकिन इधर गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी जो कूलर के बस की नहीं थी। तो मैंने, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कि मैंने एयर कंडीशन लगा लिया है अपने रूम पे। बाकी ये जो कूलर है ये अब मेरे वर्कशॉप पे काम आने वाला है, यानी कि जहाँ पर मैं अपने ये धूल धक्कड़ वाले काम करता हूँ। वैसे दोस्तों, अभी भी ये कूलर प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा इसकी ये घास बदल दूँ ताकि ये और अच्छे से काम करने लगे। तो फिर दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इसको डिसमेंटल करके आपको दिखा ही दूँ कि मैंने ये कूलर कैसे बनाया था और इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दूँ। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरह से ऑपरेट होता है हमारा कूलर, यानी कि जब ये ऑन होता है तो इसका जो ये रेक्सिन का पार्ट है ये कुछ इस तरह से फूल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसे कूलर के इस साइड पे एक मॉड्यूलर स्विच बोर्ड लगा रखा है, जिसमें से ये वाला हमारा स्विच है पंप का और ये वाला स्विच है हमारा फैन का, जिससे ये रेक्सिन का जो मैंने डक्ट सिस्टम बनाया है ये फूल जाता है और यहाँ पर से हवा आने लगती है। तो दोस्तों, इस रेक्सिन वाले पार्ट को मैंने कुछ इस तरह से 3 स्क्रू और वाशर की सहायता से यहाँ पे फिट कर रखा था। और दोस्तों, ये रेक्सिन वाला पार्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे कि ये 90 डिग्री वाले मेटल के एल्बो बनते हैं या डक्टिंग सिस्टम बनते हैं, वैसे ही मैंने इसको रेक्सिन में बना दिया है। और रेक्सिन में बनाने की वजह ये थी कि मेरे पास रेक्सिन ख़राब पड़ी हुई थी और वो इस पर बहुत अच्छे से सेट भी हो रही थी, तो मैंने उसका ही इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि अब जुगाड़ का मतलब ही यही होता है कि पूरी तरह से कबाड़ का इस्तेमाल करके कुछ बना लेना। अब दोस्तों, यहाँ पे फ़ैन की प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये एल्यूमिनियम वाली जाली इस्तेमाल की है। एल्यूमिनियम वाली जाली इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये था कि इसको मोल्ड करना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें गोलाई भी कर दी है, वो बहुत आसानी से बन गई है और साथ ही इसमें जंग नहीं लगता। एल्यूमिनियम लगाने का सबसे ज़्यादा फायदा यही है, क्योंकि कूलर एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो लोहे के लिए ये बहुत गड़बड़ मामला बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया, वरना लोहे की जाली बहुत जल्दी झड़ के ख़राब हो जाती। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना एग्जॉस्ट फैन जो कि 24 इंची का है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट कर रखा है। मैंने इस एग्जॉस्ट फैन को किसी भी तरह से यहाँ पे टाइट नहीं किया था, कोई भी स्क्रू या नट बोल्ट से कुछ भी टाइट नहीं किया था, क्योंकि मेरा ड्रम का साइज़ इतना परफेक्ट था कि ये एग्जॉस्ट बिल्कुल अच्छे से उसमें सेट हो गया। अगर आपके ड्रम का साइज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता है तो आप स्क्रू वगैरह या थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के इसको फिट कर देंगे, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। साथ ही ड्रम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा नहीं होता कि एग्जॉस्ट फैन चलने में ये इधर उधर हिले, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहता है। बाकी ये ड्रम के अंदर का सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें मैंने ये पीवीसी पाइप को हल्का सा बेंड करके और एल्यूमिनियम की जो जाली होती है उसको भी हल्का सा बेंड करके कुछ इस तरह से इसमें घास लगाने का इंतज़ाम बनाया है, और उसी पीवीसी पाइप से वाटर फ्लो का भी सिस्टम बना दिया है ताकि अलग से कुछ ना लगाना पड़े वाटर फ्लो के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग पाइप गए हैं हर एक जाली के लिए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा वाटर सप्लाई चलता है पूरे कूलर पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस घास को जिप टाई की सहायता से बहुत अच्छे से इसमें फिट कर रखा है और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रही है, जिप टाई से बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, क्योंकि 2 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी जिप टाई न टूटी ना कुछ भी हुई, बहुत अच्छे से फिक्स थी। बाकी इस कूलर को यहाँ तक बनाने का वीडियो मेरे पास है, तो मैं उसको यहाँ पर ऐड किए दे रहा हूँ कि कैसे मैंने इस कूलर को यहाँ तक बनाया।
तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो से कबाड़ से एक बेहतरीन कूलर जो का अच्छे से काम करता है उसको बनाने की जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। और गाइज वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके कोई भी सुझाव या सवाल या क्वेश्चन किसी भी तरह के हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है वसीम द क्रिएटिट्यूड। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।